अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हम सबके नेता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी, मंचासीन सभी नेतागण, आज इस विशाल जनसभा में पधारे हुए सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, नौजवान दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, कि आज उन्होंने एक नए इतिहास को जन्म दिया है। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक नया दफ्तर बनने जा रहा है जो पूरे प्रदेश में एक संचार होगा ताकत का, शक्ति का। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आज हमारे कार्यकर्ता एक एक ब्लॉक से, एक एक जिले से यहाँ पर आए हैं, और खड़गे साहब, राहुल जी, जो उत्साह आज आपको दिख रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि 2 महीने बाद जब वोट पड़ेगा तो 30 साल का इतिहास पलटकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। हम सब लोग चाहते हैं 5 साल की सरकार के बाद हम दोबारा यहां पर जनता की सेवा बनने लायक बने। खड़गे साहब का, राहुल जी का जो नेतृत्व है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो उम्मीद है उसको हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, इनकी सभाएं हम देख रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी और 2024 में इंडिया अलायंस जीतेगा और एनडीए को हरा पाएंगे। आप सब लोग आज यहां पर आए हो, संकल्प लेकर जाना चाहिए। आज राहुल जी हमारे बीच में हैं, खड़गे साहब मौजूद हैं। संकल्प इस बात का है कि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। ये चुनाव हम जीतेंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि राजस्थान के मतदाता क्या परिणाम देते हैं। और आज हमारा जो कांग्रेस का परिवार यहां मौजूद है, अगर आप सब लोग ठान लोगे कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, मुझे पूरा विश्वास है पहले से ज्यादा बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का बहुत बहुत यहां स्वागत करता हूं और आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, हमारी जो बिल्डिंग बनेगी उससे पहले पहले हमारी सरकार बन जाएगी, दिल्ली में भी और जयपुर में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।